हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एनसीईआरटी जोन में। फ्रेंड्स, हम लुसेंट का जीके कर रहे हैं, इसमें हम केमिस्ट्री कर रहे हैं। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री भी चल रहा है, उसमें हम एक्सट्रीमिस्ट फेज अब करने वाले हैं, ठीक है ना। 1905 तक हम कर चुके हैं। उसके अलावा फिजिक्स भी चल रहा है, उसका भी 4-5 चैप्टर बचा हुआ है। उसके अलावा केमिस्ट्री का सिर्फ और सिर्फ 2 चैप्टर बचा हुआ है इसके बाद, ठीक है ना। नॉन मेटल 14 चैप्टर है, उसके बाद 15 चैप्टर है कि कुछ बेसिक फैक्ट है अबाउट केमिस्ट्री। उसके बाद जो 16 चैप्टर है मैनमेड सब्सटेंसेस के बारे में है। तो आज हम ट्राई करेंगे कि 14 चैप्टर जो अभी कंप्लीट होगा, उसके अलावा 15 चैप्टर ही आज ही अपलोड करूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नॉन मेटल में बहुत कुछ कर चुके हैं, कुछ चीज़ें बची हुई है आज, तो आज डिस्कस कर लेंगे हम, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नॉन मेटल हम बहुत पहले ही कर चुके हैं, जैसे ये पार्ट सब हम कर चुके हैं, DTO, H2O2, ये सब हम कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आप देख सकते हो इस प्लेलिस्ट में जाके, आप NCERT जोन के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से लुसेंट वाला देखिए, या डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सिंपल जाइए और उसमें लुसेंट वाला है, उसमें सबसे पहले फिजिक्स है। सेम प्लेलिस्ट है, एक ही है, क्योंकि ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। एक प्लेलिस्ट में स्टार्टिंग में फिजिक्स है, उसके बाद केमिस्ट्री है, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री है। धीरे धीरे मैं अगर यहाँ केमिस्ट्री बनाऊंगा तो मैं केमिस्ट्री के जस्ट नीचे कर दूंगा। ऐसा नहीं कि मॉडर्न हिस्ट्री के नीचे आपको मिलेगा, आपको लाइन बाई लाइन मिलेगा, थोड़ा भी ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें हम सबसे पहले करते ओजोन, और आपने सुना ही होगा स्ट्रेटोस्फीयर पे, जो अर्थ के सबसे पहला स्फीयर कौन है एटमॉस्फेयर का, ट्रोपोस्फीयर। उसके बाद जो स्ट्रेटोस्फीयर है, स्ट्रेटोस्फीयर पे एक लेयर है ओजोन की लेयर, वो हमें सन से यूवी रेज, सन से जो अल्ट्रा वायलेट रे आती है उससे हमारे धरती को बचाता है। इसका मतलब ओजोन अच्छा है। देखिए, हाँ, ओजोन अच्छा है, लेकिन ओजोन अगर वहीं पे रहे तो ही अच्छा है। अगर सरफेस के पास रहता है तो बहुत ज़्यादा उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। कुछ अच्छे कारण भी है, लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा स्मोग वगैरह बना देता है, ये मतलब निगेटिव इम्पैक्ट भी करता है। लेकिन इसके अलावा थोड़ा इसके फीचर्स देख लेते हैं, ओजोन में है क्या क्या। तो सबसे पहले ओजोन इज पैल ब्लू गैस होता है, और एक ऐसा गैस है स्लाइटली मोर विस्कस होता है नॉर्मल एयर से, ठीक है ना। स्लाइटली जैसे थोड़ा गाढ़ा नहीं हम बोल सकते कि वाटर कैसे गाढ़ा थोड़ा हो जाता है अगर उसमें आप उसमें कुछ और मिला दो तो, ठीक है ना। तो इसकी अगर विस्कस है तो इसका नहीं वेपर डेंसिटी भी ज़्यादा होगा नॉर्मल एयर से, तो इसका वेपर डेंसिटी भी ज़्यादा है नॉर्मल एयर से, ठीक है। उसके बाद इसका वेपर डेंसिटी 24 होता है, नेचुरल नॉर्मल एयर का 14 होता है। उसका मतलब ये थोड़ा हैवी है, ठीक है ना। ओजोन नॉर्मली ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता है, सबसे रिएक्ट नहीं करता है, और ध्यान देना खासकर एसिड बेस से रिएक्ट नहीं करता है। तो इसके कारण क्या होता है, ये ना ब्लू और ना रेड लिटमस पेपर पे चेंज नहीं होता है, क्योंकि और नॉर्मली हम क्या देखते हैं, एसिड बेस चेंज हो जाता है, लेकिन ये चेंज नहीं होता है। इसका यूज फिर कहाँ होता है भाई, इसका यूज होता है कई जगह पे। सबसे पहले इसका यूज होता है वाटर को साफ करने के लिए एज ए जर्मीसाइड, और क्योंकि जर्म्स वगैरह वाटर में होती है उसको मार देते हैं, जो डिटॉल वगैरह में जो ऐड देते हैं तो जर्म्स वगैरह होते हैं ना, उसको मारने का काम करता है ओजोन। और डिसइंफेक्टेंट होता है, डिसइंफेक्टेंट मतलब क्या होता है, जैसे आपको आपको कहीं कट गया तो आप क्या जल्दी से कुछ चिपका लेते हो, ऑब्वियसली हैंड्स प्लास्ट जो होते हैं, हैंडी प्लास्ट या कुछ भी चिपका लेते हो, जिससे आपका कुछ बाहर का एटमॉस्फेयर का कोई चीज़ उस पर बैक्टीरिया वगैरह का, जर्म्स का या इनफैक्ट का, किसी चीज़ का इन्फेक्शन ना हो पाए। यानी ओजोन पर्टिकुलर उस चीज़ में काम करता हुआ कि उस चीज़ को पहले देखो, आप किसी चीज़ को चिपकाते हो, जैसे डॉक्टर पहले आपको प्लास्टर करता है अगर कटने के बाद, तो पहले कोई लिक्विड से साफ़ करता होगा कि अगर कुछ बैक्टीरिया आ भी गया होगा तो मर जाएगा, क्योंकि अगर प्लास्टर कर दिया अंदर बैक्टीरिया रहेगा तो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगा, ठीक है ना। तो इसमें भी ओजोन का यूज होता है एज ए ब्लीचिंग एजेंट यूज होता है फॉर डेलिकेट फाइबर, जो मुलायम फाइबर होता है, ऑयल, स्टार्च, आइवरी, इन सब में ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज होता है। उसके बाद सिल्क और सिंथेटिक जो सामानों की इंडस्ट्री होती है वहाँ भी यूज होता है ओजोन का, ठीक है ना। ओजोन लेयर आपको पता है, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर पे होता है, लेकिन जैसे ही सी एफ सी आपको पता हो, क्लोरो फ्लोरोकार्बन जो यहाँ रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, वो जैसे ही ऊपर जाता है और ओजोन से रिएक्ट करता है तो ओजोन को क्या कर देता है, O3 है ना, O3 को कन्वर्ट कर देता है O2+O में, जिसके कारण क्या होता है, जो हमारी ओजोन लेयर पतली होती जाती है। और तो ओजोन लेयर पतला होने से क्या होगा, जो सन का जो यूवी रेज था उसको रोक नहीं पाएगा, तो यही प्रॉब्लम हो जाती है। तो फिर ओजोन लेयर के लिए बहुत पूरी दुनिया ने बहुत कुछ किया ही है,
ठीक है ना, उसको बारे में आप देख सकते हो, ठीक है ना। और ओजोन लेयर अब रिकवर भी हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में देखते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है, क्यों? क्योंकि कार्बन, आपको पता है, किसी चीज़ को आग लगाने के लिए वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना चाहिए। अगर किसी चीज़ को आग लगा रहे हैं लेकिन वहाँ पे सफिशियंट ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं हो, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। मतलब एक कम्प्लीटली बर्न नहीं होगा कोई चीज़, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और पॉइजनस होता है, ठीक है ना। उसके बाद इसका ध्यान देना, नॉर्मली एग्जांपल लेते हैं हम। नॉर्मली हम जो ऑक्सीजन लेते हैं शरीर में, ऑक्सीजन लेते हैं, ध्यान देना, ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे शरीर में वो ब्लड से मिलता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है और वो फिर शरीर के हर पार्ट में पहुंच जाता है। नॉर्मली ऐसा होता है ना, ये इतना तक अगर चल रहा है तो ठीक चल रहा है। लेकिन वही ध्यान देना, ऑक्सीजन के अलावे अगर अगर ऑक्सीजन के अलावे हमारे शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड पहुँच गया, तो हमारे शरीर के ब्लड में जो प्रेजेंट हीमोग्लोबिन है उसके साथ वो मिल जाएगा और बनाएगा क्या, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब क्या करता है, ये इतना स्टेबल बना लेता है कॉम्प्लेक्स, इतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं कि वो मतलब कि शरीर के हर पार्ट में फिर जा पास ही नहीं होता रहता है, ठीक है ना। इतना स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है कि हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को अभी तक कैरी करके सारे बॉडी तक पहुँचा रहा था ना, ब्लड में हीमोग्लोबिन है और उसमें अटैच है ऑक्सीजन और वो हमारे शरीर के बर सारे पार्ट में पहुंच रहा है। लेकिन क्योंकि उसमें ऑक्सीजन के जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा आ गया है, इतना स्टेबल हो गया कि वो शरीर के हर पार्ट में जा ही नहीं रहा है, तो हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का बहाव है वो रुक जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, सफोकेशन हो जाती है और इसके कारण अल्टीमेटली डेथ हो जाता है, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड का और भी जगह यूज होता है, खासकर इसका यूज फ्यूल गैस के रूप में होता है, ठीक है ना। एक आपने सुना होगा वाटर गैस, वाटर को गैस में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन होता है, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड का हाइड और प्लस हाइड्रोजन मिलते हैं, तो यहाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज हो रहा है। उसके अलावा प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन होता है, यहाँ भी यूज हो गया, ठीक है ना। तो इट इज़ यूज रिड्यूसिंग एजेंट इन सर्टेन मेटलॉजिकल ऑपरेशन, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट ही होता है, के रूप में भी कभी यूज होता है। भाई रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो दूसरे को रिड्यूस करे, दूसरे को रिड्यूस यानी खुद ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है ना। दूसरे को रिड्यूस करेगा यानी खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। और ये ध्यान देना है, ये हैवी होता है, 1.5 टाइम्स हैवियर होता है नॉर्मल एयर से, ठीक है। ओजोन भी देखा था हमने, हैवी होता है, ये भी हैवी होता है। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में हमने देखा था पॉइजनस होता है, लेकिन भाई ये पॉइजनस नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसकी क्या कमी होती है, फिर ये ख़राब क्यों है भाई। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा उसका सीधा सीधा मतलब है ऑक्सीजन कम हुआ, कैसे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को जो यूज करता है वो इन्वायरमेंट में है ही नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड को यूज कौन करता है, प्लांट, और प्लांट यूज करके फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन रिलीज करता है ना, फिर वो ऑक्सीजन को हम और एनिमल यूज करते हैं, हम लोग और एनिमल्स और जितने होते हैं वो सारे यूज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अब इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया, इसका मतलब प्लांट नहीं है, फिर भी हमारी मौत तो तय है, ठीक है ना। इतना तक तो था, इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनने का सवाल था, क्वेश्चन अब बनेगा। देखना, कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, वो लिक्विफाइड हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, कब, रूम टेम्परेचर पर। नॉर्मल जो हमारे रूम में जो टेम्परेचर होती है 25 डिग्री सेल्सियस, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है ना। और लेकिन लेकिन इसके लिए प्रेशर आपको 50 to 60 एटमोस्फेरिक प्रेशर देना होगा, तभी वो लिक्विड सॉरी गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया तो अब क्या होगा, अगर इसको सीधा एवोपोरेट कर देंगे, सीधा एवोपोरेट कर देंगे, एवोपोरेट सडनली करेंगे, तो क्या होगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखना है कि अगर लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को अलाउड टू एवोपोरेट सडनली, अगर सीधा बाहर छोड़ेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, प्रेशर दिया हुआ है, ठीक है ना, बाहर जैसे ही एटमोसफेयर में छोड़ेंगे वो किस में क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सडनली अगर छोड़ेंगे तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। तो आपसे सिंपल पूछ सकता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को आप क्या बोलते हो, तो ड्राई आइस। अब ड्राई आइस का यूज़ कहाँ पर होता है, आपने सुना ही होगा भाई कि आर्टिफिशियल रेनफॉल करवानी है,
ठीक है ना, आर्टिफिशियल रेनफॉल में क्या होता है, जो बादल होते हैं उसको जल्दी में चोर करवा दिया जाता है। इसमें यूज होते हैं बहुत सारे, जैसे सिल्वर आयोडाइड का यूज होता है, उसके अलावा ड्राई आइस का भी यूज होता है, और भी एक दो का यूज होता है, लेकिन इसमें ड्राई आइस भी यूज होता है। और ड्राई यूज का आइस का और यूज कहाँ होता है, ड्राई आइस का यूज होता है रेफ्रिजरेंट, जिसका नाम क्या होता है, ड्राई कोल्ड, ठीक है ना। और क्वेश्चन आता है कि भैया अगर किसी को कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गया, हमने बताया था ना कि आपके शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा चला गया तो आपके शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बहाव हर पार्ट में नहीं हो रहा, तब क्या करेंगे, तो उसके शरीर में एक मिक्सर डाला जाएगा, उसको आर्टिफिशियल रेस्पायरेशन किया जाएगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होगा भाई, ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी कुछ होगा, ठीक है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बारे में आपको ये तो पता ही होगा, नाइट्रोजन का वॉल्यूम एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा है, नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन फिर आर्गन, ये तो आपको पता ही होगा। लिक्विड नाइट्रोजन का यूज होता है रेफ्रिजरेशन के लिए, ठीक है ना। और नाइट्रोजन इसीलिए ज़रूरी है प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए, नहीं तो प्रोटीन का जो यूज करते हैं वो हमारे शरीर को कोई फ़ायदा ही नहीं पहुँचाता जब तक प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। और यहाँ पे एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अमोनिया को बनाया जाता है नाइट्रोजन से ही, ध्यान देना, नाइट्रोजन आपको पता है, नाइट्रोजन से बनता है अमोनिया। कैसे बनता है भाई, एक प्रोसेस का नाम है हैबर्स प्रोसेस, ठीक है ना। हैबर्स प्रोसेस में दो कैटलिस्ट यूज किया जाता है, कैटलिस्ट का क्या नाम है, एक का नाम है फेरस, एक का नाम है मॉलीबेंडनम, FE और MO, समझ गया, ठीक है। और ये थोड़ा किस तरह लगता है, थोड़ा आपको जो लेड का ओर देखे हो ये ना, उससे इसके ओर से कंफ्यूज हो सकते हो, थोड़ा सिल्वर कलर का दिखता रहता है, 42 इसका वो नंबर होता है, एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट है अमोनिया कैसे बनता है भाई, अमोनिया एक तो तरीका सिंपल है, अमोनिया को हैबर्स प्रोसेस से बनाओ, कैसे, आप एक तरफ लो नाइट्रोजन एक तरफ लो हाइड्रोजन, दोनों को मिलाओ हैबर्स प्रोसेस से, सिंथेसिस करवाओ, बन जाएगा अमोनिया, ठीक है ना। लेकिन अब क्वेश्चन होता है अमोनिया का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, अमोनिया का यूज होता है एज ए रेफ्रिजरेंट, और भी चीज़ में होता है, आपको बनाना है HNO2 3 तो भी यूज कर सकते हैं, फर्टिलाइजर बनाने में जैसे यूरिया अमोनियम सल्फेट ये सब बनाने में आपको अमोनिया का यूज हो जाएगा, उसके अलावा Na2CO3 या NaHCO3 ये सब बनाने में भी यूज हो जाएगा, अमोनियम साल्ट बनाने में यूज होगा। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन अब आएगा तीन जो पॉइंट उससे, क्योंकि इससे आप गेस भी कर सकते हो, यहाँ पे गेस करना थोड़ा मुश्किल है कि आप एक्सप्लोसिव को बनाने में भी अमोनिया का यूज हो सकता है, जिससे ब्लास्ट वगैरह होता है उससे। आर्टिफिशियल के सिल्क जो होता है, आर्टिफिशियल सिल्क जो हम, एक तो नॉर्मली 5 टाइप की सिल्क होती है इन्वायरमेंट में, वो तो नेचुरल होता है, लेकिन उसके अलावा आर्टिफिशियल सिल्क होती है उसके प्रिपरेशन में भी यूज होता है अमोनिया का। उसके बाद आपको ये तो पता होगा नाइट्रोजन फिक्सेशन जो करती है लेगुमिनस प्लांट, उसमें भी इसका यूज होता है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है फॉस्फोरस का यूज कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले फॉस्फोरस हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरत है, इवन एनिमल प्लांट सब के लिए ज़रूरत है, और ये प्रेजेंट कहाँ पर होता है, हमारी हड्डी या हमारे DNA में प्रेजेंट होता है, दोनों में, ठीक है ना। और फॉस्फोरस इज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट, जो न्यूक्लिक एसिड होती है ना हमारे शरीर में जो ज़रूरी होती है, उसका इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है फॉस्फोरस, ठीक है ना। फॉस्फोरस के बहुत सारे टाइप हैं, जैसे वाइट फॉस्फोरस, वाइट और येलो बोलते हैं कुछ को, रेड बोलते हैं कुछ को ब्लैक बोलते हैं, और ध्यान देना वाइट फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना, सल्फर डाइऑक्साइड का यूज होता है एज ए ब्लीचिंग एजेंट के यूज होता है, ध्यान देना, दो चीज़ आपको बताऊँगा, यहाँ पर कन्फ्यूज मत होना, सल्फर डाइऑक्साइड का यूज होता है एज ए ब्लीचिंग एजेंट, लेकिन भाई इसका किया हुआ काम परमानेंट नहीं होता, समझ गए, इसका किया काम परमानेंट नहीं होता, कैसे कैसे कैसे, क्योंकि इससे इससे आप ब्लीच कीजिए, ठीक है ना, इससे ब्लीच कीजिए, और जिस चीज़ को ब्लीच कीजिए हो उसको अगर एयर में लाओ ओरिजिनल कलर आ जाएगा, तो क्या फ़ायदा इससे, तो इसका अगर परमानेंट आपको ब्लीच करना है तो इसका यूज मत कीजिए भाई, मत कीजिए, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, देखो सल्फर डाइऑक्साइड का यूज होता है एज ए ब्लीचिंग एजेंट में यूज होता है, और
ब्लीच कैसे करता है, जब वहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड को अगर वाटर में मिलाओ, सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर में मिला तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, ये इम्पॉर्टेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है तो क्या करोगे भाई, सल्फर डाइऑक्साइड दे दो और उसको पानी में सिंपल मिला दो, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है ना। कलर्ड मैटर को में हाइड्रोजन मिलाओ, यानी हाइड्रोजनेशन कीजिएगा तो कलरलेस मैटर बनेगा। कैसे कलरलेस का मतलब, मैं ऑलरेडी ब्लीच हो चुका है भाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हेलोजन। हेलोजन आपको पता होगा 17वां ग्रुप में है। 17वां ग्रुप का मतलब क्या है, टोटल पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप है। 17th ग्रुप का मतलब इसे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है स्टेबिलिटी के लिए, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसका मतलब हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट हो, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव भाई, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसमें कौन कौन आता है, फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ये सब आता है, ठीक है ना। तो इसमें हम दो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब तो नाम सुने होइएगा। तो सबसे पहले आयोडीन का यूज़ तो आपको पता ही होगा, जो जो एक गर्दन पे एक बीमारी हो जाता है, घेघा रोग उसे बोलते हैं, उसको बचाने में यूज होता है। फ्लोरीन का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, फ्लोरीन का यूज़ दो चीज़ बनाने में यूज होता है, और भी ज़्यादा यूज होता है। सबसे पहले UF6 जिसको जिसका यूज होता है फिर एनर्जी प्रोडक्शन में, उसके अलावा SF6 जिसका यूज होता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट में, तो इन दोनों को बनाने में भी मदद होता है। उसके अलावा हाइड्रोजन फ्लोराइड का यूज होता है क्लोरो फ्लोरोकार्बनिक में, और क्लोरो फ्लोरोकार्बन फिर क्या करता है भाई, क्लोरो फ्लोरोकार्बन का फिर से यूज होता है एज ए रेफ्रिजरेंट में, और जो ये क्या करता है, इस पर अब बैन लग गया है, ये क्या करता है, ये क्या करता है फिर जाके ओजोन लेयर पे, ओजोन लेयर को ब्रेक करता है, लेयर को तोड़ता है, ठीक है ना, पतला करता है, क्योंकि ये इसका क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ अटैक, ओजोन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीजन बना देता है, ओ बना देता है, ठीक है ना। और बाय यूजिंग HF क्लोरो फ्लोरो कार्बन कंपाउंड एंड पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलिन को सिंथेसाइज किया जाता है, और क्लोरो फ्लोरो कार्बन को एक और नाम दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लो याद कर लो याद करो, क्लोरो फ्लोरो कार्बन को फ्रेयॉन भी बोलते हैं, और फ्रेयॉन का यूज होता है रेफ्रिजरेंट, मैं बता दिया, और जगह यूज होता है एरोसॉल में यूज होता है, ठीक है ना, एरोसॉल, ठीक है ना। और टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का यूज़ कहाँ पे होता है, नॉन स्टिक, मतलब ऐसे बर्तन जो थोड़ा नॉन स्टिकी हो उसका यूज होता है, जिसमें मतलब तेल वगैरह जो जल्दी लग नहीं पाता है, जो ऑयली उतना नहीं हो पाता है, वो बनता है टेफ्लॉन से, ठीक ना। क्लोरीन का यूज और भी होता है कहाँ पे, क्लोरीन का यूज होता है PVC बनाने में, ठीक ना, ठीक है ना, PVC बनाने में भी टेफ्लॉन का किसका PVC बनाने में क्लोरीन का यूज होता है। और इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्ट को मारने के लिए, हर्ब्स को मारने के लिए, इसको मारने के लिए भी क्लोरीन का अच्छा से यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, उसके बाद कौन सा टॉपिक है, क्लोरीन और ब्लीचिंग एजेंट, ध्यान देना। अभी तक हमने देखा था भाई सल्फर डाइऑक्साइड को ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करो, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, परमानेंट नहीं हो पाता है ब्लीच। जैसे ही वो जिस आर्टिकल को आपने ब्लीच किया हो उसको एयर के प्रेजेंस में लाइए, फिर से अपना कलर दे देगा, ठीक है ना, ठीक है। तो ठीक है, तो क्लोरीन को ब्लीचिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं, लेकिन ये क्या करता है, परमानेंट कर देता है भाई, दोनों में अंतर समझ गए, ठीक है ना। क्लोरीन को अगर वाटर में डालोगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, ठीक है ना, तो ये भी वही ब्लीच कर दिया, लेकिन ये ब्लीच किया परमानेंटली, ब्लीच कर दिया, ठीक है ना। द कलर ऑफ ब्लीच आर्टिकल कैन नॉट बी वी रिस्टोर, नहीं होगा भाई सल्फर डाइऑक्साइड की तरह, तो इट एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट फॉर वेजिटेबल एंड ऑर्गेनिक मैटर में डाल देता है। ब्रोमीन का यूज होता है इथाइलिन ब्रोमाइड सिंथेसाइज करने में, जिसको विच इज मिक्सड विथ लेडअप पेट्रोल और इन द प्रिपरेशन ऑफ AgBr विच इज यूज फॉर फोटोग्राफी, ठीक ना, ये सब यूज होता है AgBr का प्रिपरेशन में, और जिसका यूज होता है फोटोग्राफी में। इनर्ट गैस आपको पता है, जिसकी जो पूरी तरह स्टेबल है, बहुत मतलब बहुत कम चांस है कि ये रिएक्ट करेगा कैसे। इनर्ट गैस का मतलब क्या होगा, रिएक्ट नहीं करता, यानी 18वीं पेरियोडिक टेबल में है कौन कौन, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है एक्सेप्ट रेडॉन ऑल इनर्ट गैस आर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, सारे है प्रेजेंट, ठीक है ना। ऑर्गन इज यूज्ड इन आर्क वेल्डिंग एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, आर्क वेल्डिंग नहीं सुना, जो दो मेटल को मिला के वेल्डिंग नहीं करते हैं और दो मेटल को जोड़ देते हैं, उसमें ऑर्गन का यूज होता है। और ऑर्गन आपको पता है थर्ड मोस्ट जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में वो गैस है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑर्गन,
ठीक है ना। हीलियम इज लाइट, हीलियम हल्का है, नॉन इन्फ्लेमेबल है और इसलिए मतलब जल्दी आग नहीं लगता है, इसलिए इसका यूज होता है बैलून में वेदर को इंडिकेट करने में यूज होता है, क्योंकि ये आग जल्दी इसमें लग नहीं पाता है, ठीक है ना। और नियोन का यूज किया जाता है इन यूज इन डिस्चार्ज ट्यूब टू ग्लो लाइट, ठीक है ना, डिस्चार्ज ट्यूब टू ग्लो लाइट की यूज की तरह यूज किया जाता है, ठीक है ना, मतलब लाइट जलाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना, नियोन का। और इसमें कुछ खास नहीं है, और ठीक है तो समझ गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे इसको, कॉमन फैक्ट जो दिया हुआ है, सम इम्पॉर्टेंट एक्सप्लोसिव, और उसके बाद है ऑलमोस्ट 50 फैक्ट्स हैं तो हम देख लेंगे, ठीक है ना। उसके बाद मैनमेड सब्सटेंस, ये लास्ट चैप्टर है हमारा, फिर हमारा केमिस्ट्री कंप्लीट, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।